नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राकेश और आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। प्रश्न है, आवेश के प्रमुख गुण या विशेषताएं लिखिए। उत्तर है, आवेश के प्रमुख गुण या विशेषताएं निम्न हैं। पहला है, आवेश का क्वांटीकरण होता है। आवेश का क्वांटीकरण होता है। दूसरा है, सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित तथा विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जो सजातीय आवेश होते हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और जो विजातीय आवेश होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अगला है, आवेश स्थानांतरणी होता है। आवेश स्थानांतरणी होता है। आवेश कैसा होता है? स्थानांतरणी होता है। अगला है, आवेश संरक्षित होता है। कैसा होता है आवेश? संरक्षित होता है। अगला है, किसी वस्तु पर आवेश उसके वेग पर निर्भर नहीं करता है। किसी वस्तु पर आवेश उसके वेग पर निर्भर नहीं करता है। आवेश अदिश होता है। आवेश कैसा होता है? आवेश अदिश होता है। अगला है, आवेश योज्य होता है। आवेश है वो कैसा होता है? योज्य होता है। अगला है, आवेश सदैव चालक की बाहरी सतह पर रहता है। आवेश चालक की बाहरी सतह पर रहता है। अगला है, आवेश सदैव द्रव्यमान से बद्ध रहता है। कैसा रहता है? द्रव्यमान से बद्ध रहता है। अर्थात आवेश द्रव्यमान रहित नहीं रह सकता है। अगला है, आवेश विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र एवं विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न करता है। आवेश है वो विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र एवं विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न करता है। क्या क्या करता है? जो आवेश होता है वो विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र एवं विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न करता है। तो हे गाइस, यदि आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।